द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा, वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा, प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। से करे तेरा वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा, प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम, आए हैं मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग फादर। आज मैं आप सभी को इस मिसा बलिदान में स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे पारिश के 7 बच्चे पहली बार प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करने जा रहे हैं, और आज आप सभी किसी ना किसी प्रकार इनमें से किसी एक बच्चे को रिश्तेदार है, कुछ ना कुछ तो संबंध है, क्योंकि आज का यह मिसा बलिदान केवल जो बच्चे प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं उनके लिए, उनके माता पिताओं के लिए तथा उनके मेहमानों के लिए ही रखा गया है। इसका मतलब आप सभी महत्वपूर्ण रूप से चुने हुए लोग हैं आज, इसलिए आपका दायित्व है कि आप इनके लिए प्रार्थना करें। न केवल हम
इसमें भाग लेने के लिए, नाम के रूप से भाग लेने के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हैं। हमें सक्रिय रूप से इनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि यह बच्चे पहले बार ईश्वर को ग्रहण करने जा रहे हैं, प्रभु का पवित्र शरीर और लहू ग्रहण करने जा रहे हैं। इन्हें एक अनुभव मिले। जो अनुभव आज इन्हें मिलता है वह जिंदगी भर इनके लिए, इनके पास रहते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, पुनः एक बार इनके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना के साथ साथ हमें एक और बातों पर ध्यान देना है। बच्चे पहली बार ग्रहण करने जा रहे हैं, पहली बार रीडिंग के लिए आ रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, तो इनमें से छोटी छोटी गलतियां हो सकते हैं, तो उन पर हम ना हंसे, बाद में भी उनकी हौसला बढ़ाएं। गलतियां हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बच्चे पहली बार प्रभु को ग्रहण करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को पल्ली पुरोहित के नाम पर और हमारे फादर डैनियल रॉजर्स के नाम पर मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। इस पावन समारोह के लिए हम पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चे सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी प्रभु यीशु, हम सब बच्चे आपका स्वागत करते हैं। हमारे प्रभु यीशु का शरीर और रक्त जो आज हम पहली बार ग्रहण करने वाले हैं, आपके ही द्वारा हमें ईश्वर की महिमा के भागी होने की आशा है। हे माँ मरिया, आप हमें यीशु को सदा प्यार करना सिखाइए, ताकि हम अपने छोटे हृदय को सदा शुद्ध रखने की कोशिश करते रहें। हे पवित्र आत्मा, मिस्सा पूजा बलिदान के महत्व को समझने की कृपा दीजिए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। आप सबों से निवेदन है कि हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आइए इस पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में हम सहभागी होकर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। यह मिस्सा बलिदान निम्नलिखित मतलबों के लिए अर्पित किया जा रहा है। इसिडोर ऋषि की आत्मशांति के लिए शोभा ऋषि के उनके परिवार की ओर से, सभी मरे विश्वासियों की आत्माओं की शांति के लिए अंतोनीमा जोसेफ की ओर से, धन्यवाद कमिसा रफाइल पीटर उनके परिवार की ओर से, धन्यवाद कमिसा कनीजा हेनरी उनके परिवार की ओर से, अनिल एवं आइलिन मॉरिस इनकी आत्माओं की शांति के लिए, तथा जोआकिम एवं एमिली मॉरिस इनकी आत्माओं की शांति के लिए रेनॉल्ड मॉरिस के परिवार की ओर से अर्पित किया जा रहा है। इमैनुअल जोसेफ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिंड्रेला सावियर जोसेफ की ओर से, मेरी सिल्वेस्टर जोसेफ की आत्मशांति के लिए राजेश जोसेफ की ओर से, सावियर जोसेफ इनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं धन्यवाद कमिसा रेखा अर्केल की ओर से, सभी बिशप्स प्रीस्ट और सिस्टर्स इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रेखा अर्केल की ओर से, अनस्तासिया पिल्ले की आत्मशांति के लिए बर्नाडेट राजेश जोसेफ की ओर से, अनस्तासिया पिल्ले की आत्मशांति के लिए जूली अरुण जोसेफ की ओर से, धन्यवाद कमिसा अंचलो टाइडे उनके परिवार की ओर से, थ्रीजा रोसी टाइडे की आत्मशांति के लिए मंजू मोरे की ओर से, एवं धन्यवाद कमिसा मरिया जोसेफ की ओर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों या बहनों, आगमन काल के तीसरे रविवार में
हम इस वेदी के समक्ष एकत्रित हैं मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। और आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पारिश के 7 बच्चे पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान कार्य के लिए। ईश्वर ने अपना शरीर और लहू द्वारा इन बच्चों को अपने विश्वास में पोषण करना चाहते हैं। उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ बनाने के लिए वह अपने आप को पूरी तरह से इन बच्चों को देने के लिए तैयार हो रहा है। इस अमूल्य अवसर के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो विश्वास का बीज बपतिस्मा संस्कार द्वारा इनमें बोया गया है, वह दिन प्रतिदिन इस विश्वास में बढ़ते आ रहे हैं और आज उनके जीवन में और एक पड़ाव, वे प्रभु को ग्रहण करने जा रहे हैं रोटी और दाखरस के रूप में। तो हम इनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु का शरीर योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए प्रिय भाइयों या बहनों, हमें हमारी अयोग्यताओं को स्वीकार करना है, हमारे अयोग्यताओं को प्रभु तथा एक दूसरे से क्षमा याचना करना है। इसलिए इस मिसा बलिदान के शुरुआत में हम हमारे अंधकरण की जांच कर देखें, हमारी त्रुटियों के लिए, हमारे पापों के लिए हम प्रभु तथा एक दूसरे से क्षमा याचना करें ताकि हम योग्य रीति से यह मिसा बलिदान में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से सब स्वर्ग दूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे क्रिस्त हमें तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे क्रिस्त हमें तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। मुझे पापी को क्षमा कर दे। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। महिमा हो महिमा हो, महिमा हो प्रभु की, महिमा हो महिमा हो।
महिमा हो प्रभु की। स्वर्ग का स्वामी तू बलशाली, सब मिल गाए महिमा गा। जगत पिता हम पुत्र तुम्हारे, पवित्रता का दे दो दान। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। इकलौते सुत स्वर्ग से उतरे, कदम रखा तो धन्य हुई वो। ईश में मना दया के सागर, विनय हमारी सुन ले प्रभु। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। दाई विराजे पुत्र पिता के, शोभित पावन तू प्रियवर। पवित्र आत्मा के संग नभ पर, चारों दिशाओं में आठों पहर। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के पास्का रहस्य द्वारा मानव जाति के उद्धार का कार्य पूरा किया है। हम आत्मविश्वास के साथ संस्कारों के तहत क्रिस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। ऐसी कृपा करके हम तेरे मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र क्रिस्त यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तदा पवित्र आत्मा के संग एक ही शुरोक युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी सफन्या का ग्रंथ। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इज़राइल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा डंडा देश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, हिम्मत नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजय योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला एक सहारे का पावन ईश्वर महान है। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा,
क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य प्रफुल्लित होकर आनंदित गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का पावित्र ईश्वर है। प्रभु को धन्यवाद करो, उसकी दुआई दो, राष्ट्रों में उसकी महान कार्यों का बखान करो, उसकी नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं, पृथ्वी पर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य प्रफुल्लित होकर आनंदित हो गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। फिलिपियों के नाम सेंट पॉल का पत्र। प्रभु में हर समय खुश रहिए, मैं फिर कहता हूँ खुश रहिए, सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए, प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत कीजिए, अजरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय कथा धन्यवाद के साथ ईश्वर से सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेंगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता यीशु से पूछती थी, यूहन के पास आए तो उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए, और उन्हें उत्तर देता था जिसके पास दो कुर्ते हो वह एक उसे दे दे, जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करें। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे पूछते थे कि गुरु हमें क्या करना चाहिए, और उनसे कहता था जितना तुम्हारे नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी पूछते थे और हमें क्या करना चाहिए, वह उनसे कहता था किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और जब यूहन के विषय में वे मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं
यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वह अपना खलियान ओसा कर साफ करें और अपना गेहूं बखार में जमा करें। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन जनता को सुसमाचार सुनाता था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आगमन काल के तीसरे रविवार गौदेते संडे नाम कहा जाता है। एक जॉयफुल डे है, खुश रहने का दिन है। इसलिए आज के रीडिंग भी हम सुने, हे सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, हे इसराइल जयकार करो, हो यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना, क्योंकि ईश्वर ने जो दंड रखा था लोगों के पापों के कारण उसे रद्द किया है। वह ईश्वर हमारे बीच में है। इसलिए कहते हैं, हे सियो नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। अप्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के इस इतवार के अवसर पर हमारे पारिश के सात बच्चे प्रभु येसु को अपने जीवन में पहली बार ग्रहण करने जा रहे हैं। खुशी का दिन है, आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि जो प्रभु यीशु हमारे बीच में हैं, उन्हें उनका अनुभव पाने का एक अवसर इन बच्चों को मिल रहा है। हमेशा अधिकांश लोग इस अनुभव पा चुके हैं, लेकिन हमें से कितने जन इस अनुभव को बनाए रखते हैं, एक सवाल है। हमें बुलाया गया है आनंद मनाने के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। उस प्रभु का अनुभव हमें पवित्र यूकेरिस्ट द्वारा हर मिसा बलिदान में दिया जा रहा है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है जब भी हम प्रभु येसु को ग्रहण करते हैं। प्रभु हमारे बीच में है, उस अनुभव को हमें बनाए रखना है। जिनके जीवन में प्रभु रहते हैं उन्हें कुछ सवालें पूछने की जरूरत है। सुसमाचार में हम सुने, लोग जाकर संत यूहन बपतिस्ता से पूछते थे, हमें क्या करना चाहिए? और संत यूहन कहते हैं, जिसके पास दो कुर्ते हो वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है। प्रभु का अनुभव बनाए रखने के लिए प्रिय विश्वासियों, यह सवाल हमें क्या करना चाहिए, प्रभु का अनुभव बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह सवाल हमेशा हमें पूछना है। और इसका जवाब भी है, सबसे पहले हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार होना है। एक जमाने में जब लोग स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, उस अवसर पर
हमें बताया जा रहा है, जो है उसे बांटने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिय विश्वासियों, प्रेम और भाईचारा के बिना प्रभु को हम ग्रहण नहीं कर सकते। प्रेम और भाईचारा के बिना प्रभु का अनुभव हमें कभी नहीं मिलता। इसलिए यह काफी नहीं है कि हम प्रार्थना करते हैं और पाप स्वीकार करते हैं। पाप स्वीकार करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के पहले पत्र में हम देखते हैं अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, अपने अंधकरण को परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। अपने अंधकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। तो पाप स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं इसलिए हमारा हक है पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करना। हमारा हक है, जरूर है, हमारा हक है, लेकिन इसे ग्रहण करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी अंधकरण की जांच करने की जरूरत है, क्योंकि पाप की अवस्था में यदि हम प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं तो हम हमारी दंडाज्ञा को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। इसलिए प्रिय विश्वासियों, प्रभु का शरीर और लहू ग्रहण करना एक मामूली बात नहीं है। उसे ग्रहण करने के पहले हमें हमारी अंधकरण की जांच कर देखना है कि हम इसे ग्रहण करने के लिए योग्य हैं। क्योंकि संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 में प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में विश्वास करता है और मैं उसमें। प्रभु कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु हम में रहते हैं। जब प्रभु हम में रहते हैं तो हमको प्रभु में भी रहना है। यह अनुभव पाने के लिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्यार और भाईचारा होना बहुत अनिवार्य है। इसके बिना हम इसके लिए योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए हमें एक सवाल हमेशा पूछते रहना है, प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें जो भी हमारे साथ हैं उसे एक दूसरे के साथ बांटना है, एक दूसरे को प्यार करना है। भाईचारा और प्रेम के बिना हम इसे कभी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, एक अवसर है प्रभु का अनुभव पाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी को यदि हम पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे परम प्रसाद से कोई लाभ नहीं होता, हमें ईश्वर का अनुभव नहीं मिलता। हम हमारे जीवन की ओर नज़र डालने से हमको यह बातें देखने को मिलते हैं, दूसरों के जरूरत में क्या हम सहायता करने के लिए तैयार हैं, दूसरों के दुख में क्या हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं, दूसरों के गलतियों में हमारा विचार क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है। अक्सर हम अपने आप को धर्मी मानते हैं, सब बातों में हम सही रहते हैं बाकी सब गलत, हम जो कहते हैं हम जो करते हैं केवल वही सही है, दूसरों को मानने के लिए तैयार नहीं रहता, दूसरों को एक्सेप्ट करने का विनम्रता
भूत कम रहते हैं, सुनाने वाले रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, सुनने वाले बहुत कम। यह अवसर पर प्रिय भाइयों या बहनों हमें याद दिलाया जाता है कि हमें एक दूसरे को जैसे है वैसे ही उन्हें स्वीकार करना है, तभी वहां प्यार होते हैं। यदि हम दूसरे व्यक्ति को प्यार करते हैं जब वह हम चाहते हैं उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, तब हम हमारे स्वार्थ की खोज में, हमारे सेल्फिशनेस की खोज में रहते हैं, हम जो चाहते हैं वही पाने की चक्कर में। लेकिन जो जैसा है वैसा स्वीकार करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, वहाँ प्यार है प्रिय भाइयों या बहनों। और जहाँ प्यार है वहाँ भाईचारा जरूर रहते हैं, और जहाँ प्यार और भाईचारा है वहाँ हम अपने आप को प्रभु यीशु क्राइस्ट के शरीर और रक्त ग्रहण करने के लिए योग्य बनाते हैं। आइए प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज इस मिसा बलिदान के दौरान हम कुछ समय मौन रहकर हमारे अंतःकरण की जांच कर देखें। संत पौलुस जो हमें याद दिलाते हैं अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही प्रभु की रोटी और धाकरस, प्रभु का शरीर और रक्त हमें ग्रहण करना है, तो हम हमारी अयोग्यताओं को महसूस करें और उनके लिए प्रभु एवं एक दूसरे से क्षमा याचना करें और यह वादा करें प्रभु से कि हम एक दूसरे को प्यार करने के लिए तैयार हो जाएंगे और भाईचारा के साथ अपना जीवन बिताएंगे। इसके साथ हम इन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें कि जो अनुभव आज इन्हें मिलने जा रहे हैं वे इसे बनाए रखें, और इसे बनाए रखने के लिए प्रिय भाइयों या बहनों हमारा भी जिम्मेदारी रहते हैं, हम इन्हें अच्छा उदाहरण दे सके हमारे जीवन द्वारा, ताकि जो अनुभव उन्हें मिल रहा है उसे वह हर समय अपने घर में, अपने समुदाय में, अपने समाज में बनाए रखने की अवसर भी उन्हें प्राप्त हो। आइए हम इन्हीं मतलबों के लिए इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम खड़े होकर हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्राइस्ट में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुआरी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जानता हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारी शांति और आनंद का स्रोत हमारे पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता सभी धर्माधीक्षों
एवं प्रोहितों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह जानकर कि उनके रेवड़ की मुक्ति के लिए प्रभु के पास उपाय तथा साधन है, वे अपने कर्तव्य से कभी निरुत्साहित न हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने इस क्रिश्चियन समुदाय के लिए प्रार्थना करें, ताकि निश्चित रूप से हम जान सके कि केवल आपसी प्रेम हमें मुक्ति दिला सकता है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम समझ सके कि प्रार्थना बहुमूल्य है और अपनी सब आवश्यकताओं में इसका सहारा ले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिश्चियन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह जानकर सदैव हमारे बीच और हमारे हृदयों में प्रभु की उपस्थिति कितनी बड़ी निधि है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम जान सके कि पाप में सुख प्राप्त नहीं हो सकता, हमारा हृदय सिर्फ ईश्वर में शांति तथा विश्रांति प्राप्त कर सकता है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चे, उनके माता पिता एवं धर्म माता पिता के लिए प्रार्थना करें, ताकि इसी तरह प्रभु येशु क्रिस्त को ग्रहण करने के लिए हमेशा अपने बच्चों के साथ गिरजाघर में आए, ईश्वर की आशीष सदा हम पर बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस अवसर पर सभी प्रकार की रोगियों से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर की चंगाई का हाथ हमेशा उन पर बने रहे, ईश्वर का स्पर्श पाकर चंगाई पाकर वे हमेशा अपने जीवन में प्रभु का गुणगान गा सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मरे हुए विश्वासियों की आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करें, कि वे सब ईश्वर की असीम दया से अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तू ही हमारी शांति और आनंद का स्रोत है, हमारे स्वर्ग पहुंचने तक इसे सुरक्षित रखने में हमारी सहायता कर, जहां अनंत काल तक तू ही हमारी शांति तथा आनंद का स्रोत होगा, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरण।
तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे तो क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हम अपनी मुक्ति का स्मरणोत्सव मना रहे हैं, ऐसी कृपा करके तेरे प्रेम तथा दया का ये संस्कार हमारी एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन बन जाए। यह दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ होम और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है धार्त और शाश्वत पुरोहित जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों सिंहासन और साम्राज्य स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। उमंग भरी आवाज से हम करें प्रभु का स्तुति गान। उमंग भरी आवाज से हम करे प्रभु का स्तुति गा। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गा। होसाना 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 होसाना। ऊंचे नभ में प्रभु परमेश्वर की करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। शक्तिमान है प्रभु परमेश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन
हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा के योग्य हैं। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसीलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाकरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालु की रात को उन्होंने रोटी ली और उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु जब कभी हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा की घोषणा करते हैं। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की यह रोटी और आशीष का यह प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। यह वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर सब अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमें अपने आत्मा से अनुप्राणित कर और अपने पुत्र यीशु के अनुरूप बना दे। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों और अपनी सारी प्रजा के बीच एकता की भावना सुदृढ़ कर, सब ख्रिस्त विश्वासियों के विश्वास की ज्योति प्रदान कर, ताकि हम समय की मांग को पहचान सकें और सुसमाचार की सेवा में सदा समर्पित रहें। लोगों की आवश्यकताओं के प्रति हमारा हृदय द्वार खोल दे,
ताकि हम उनके सुख दुख में सौभागी बने और विश्वासपूर्वक उन्हें मुक्ति का सुसमाचार सुनाते हुए उनके साथ तेरे राज्य की ओर अग्रसर होते रहें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं, सब मृत विश्वासियों की भी सुधि ले जिनका विश्वास केवल तू जानता है, पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे निवास तक पहुँचे। वहाँ हम ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य योसेफ, प्रेरितों और शहीदों, सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तदा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के बलित में बने जो हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। हे ईश्वर के प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
परम प्रसाद की पूर्व विनती। हे यीशु, मैं सीधे मन से और दृढ़ विश्वास से तेरी आज्ञा सुनकर आशा और आदर के साथ तेरे पास आता हूँ। मैं सचमुच मानता हूँ कि तू परमेश्वर और मनुष्य इस संसार में उपस्थित है। पर हे यीशु मेरी आँखों को ज्योति दे कि ऐसे बड़े भेद को देखूं। प्रिय यीशु तू हमारे हृदय में आने को तैयार है। हमारे आत्मा का भोजन होना चाहता है पर हम पापी हैं फिर भी विश्वास और प्रेम से हम तेरे पास आते हैं और श्रद्धापूर्वक ये कहते हैं हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी।
सवेरा तूने बनाया दुनिया में, दुनिया में कैसी सुंदर रचना तेरी से तू अपने हृदय का मालिक है। मैं कुवारी मरिया के साथ, मैं कुवारी मरिया के साथ, जो आपकी माँ, जो आपकी माँ और मेरी भी माँ है, और मेरी भी माँ है, सब दूतों और संतों के साथ, सब दूतों और संतों के साथ तेरी आराधना करती हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तुझे धन्यवाद देती हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ, अपना सब कुछ तुझे देती हूँ, अपना सब कुछ तुझे देता हूँ, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मेरे माँ बाप को, मेरे माँ बाप को, भाई बहन को, भाई बहन को, सबको अपनी शरण में रख, और सबको अपनी शरण में रख, संत पापा, संत पापा, सब पुरोहितों, सब पुरोहितों, पवित्र कलीसिया की रक्षा कर, पवित्र कलीसिया की रक्षा कर, पाप जोखिमों से बचा, पाप और उसके जोखिमों से बचा कर, पाप और जोखिमों से बचा, पापियों का मन फिरा, पापियों का मन फिरा, शोधक अग्नि की आत्माओं को, शोधक अग्नि की आत्माओं को शीघ्र अनंत शांति दे, शीघ्र अनंत शांति दे, आमीन आमीन। हे परमपिता परमेश्वर, आज सभी बच्चे प्रसन्न होकर आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने इस पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान ने योग्य रीति से हमारे जीवन के मूर्ति दाता प्रभु येसु क्रिस्त को पवित्र परम प्रसाद संतरात द्वारा ग्रहण किया है। धन्यवाद। हमारे पल्ली पुरोहित फादर साइजू व फादर डैनियल, आपने हमें पवित्र परम प्रसाद संस्कार से विभूषित करके पवित्र कलीसिया के योग्य सदस्य बनाए, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद फादर जी। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं फादर जोमेस को हमारा संस्कार यादगार बनाए रखने के लिए, हमारे फोटोग्राफ व वीडियो रिकॉर्डिंग बखूबी से लिए। धन्यवाद फादर जी। हमारे पदली के दोनों कॉन्वेंट के सिस्टर्स को उनकी उदारता व सहयोग के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साकसिन सिस्टर्स को जिन्होंने वेदी की तैयारी इतनी सुंदर और आकर्षक तरीके से की है। धन्यवाद। आज के शुभ दिन के अवसर पर हम बच्चे सिस्टर आइडा, सिस्टर शर्ली, निर्मला केशमी टीचर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यीशु को कैसे प्यार करना, अपनी प्रार्थनाएं कैसे बोलना, संस्कारों का सेवन कैसे करना, खासकर पवित्र मिस्सा बलिदान को समझना तथा पवित्र आत्मा से उजाला मांगना सिखाया है। आप सभी को धन्यवाद। आज के दिन हम सभी बच्चे हमारे जन्मदाता
अर्थात हमारे माता पिता को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें धैर्य के साथ यह संस्कार ग्रहण करने के काबिल बनाया। धन्यवाद। पैरिश काउंसिल सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, जो हम सबों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करते और सबों को प्यार देकर सेवा करते हैं। धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पल्ली के कॉय ग्रुप को उनके सुंदर और मधुर गायन के लिए। धन्यवाद। और अंत में यह उपस्थित पल्लीवासी व हमारे सभी रिश्तेदारों को भी उनकी उपस्थिति, उनकी प्रार्थनाओं और आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय भोज का यह सभा हमें पवित्र करें, ताकि क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा सारा क्रिस्तीय परिवार एकता के सूत्र में बंध जाए। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सूचनाएं। आज नोटिस बहुत छोटा रखा हूं, क्योंकि इसके बाद भी छोटा सा कार्यक्रम है, इसलिए आज आगमन काल का तीसरा रविवार है। आने वाले रविवार 19 दिसंबर सुबह 8 बजे के मिसा के बाद पापसिका संस्कार ग्रहण करने का अवसर है। आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ उठाएं। याद रखिए, केवल 19 तारीख को ही कन्फेशन रहेगा, 19 तारीख सुबह 8 बजे के मिसा के बाद 11 या 11:30 बजे तक। तो आप सभी से अनुरोध है कि उसी दिन पाप स्वीकार करें। जैसे मैंने पहले कहा, जो बाहर गांव से आते हैं और जिन्होंने 19 तारीख को पाप स्वीकार किया और उसके बाद किसी ना किसी वजह से पाप किया है, उनके लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे। बाकी सबों से अनुरोध है कि कृपया पाप स्वीकार संस्कार 19 तारीख को ही करें। यह मैं इसलिए कहता हूँ, ये लास्ट मोमेंट पर कन्फेशन करना उचित नहीं है। हम बाकी सारे कार्य बहुत सोच समझ कर करते हैं, तो ये लास्ट मोमेंट का दौड़, आखिरी पल पर दौड़ के आकर कन्फेशन करने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आत्मीय रूप से आपको अपने आप को तैयार करना है, सो इसलिए 19 तारीख को कन्फेशन करने के लिए कोशिश कीजिए। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ फर्स्ट होली कम्युनियन के सभी बच्चों और उनके माता पिताओं को, क्योंकि उन्होंने इस कोविड काल में बच्चों को भेजने के लिए तैयार रहे, और बच्चे भी लगातार जब भी क्लास के लिए बुलाए थे, थोड़ा बहुत तो हिचकिचाहट होते रहते हैं, उसके बावजूद बच्चे क्लास के लिए आए। तो मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं उनके माता पिताओं को आपके सहयोग के लिए। और मैं विशेष रूप से टीचर्स को भी धन्यवाद देता हूं। सिस्टर शर्ली ने शुरुआत किया था, उसके बाद सिस्टर को अपनी पढ़ाई के कारण गोवा जाना पड़ा, उसके बाद मिस निर्मला और सिस्टर आइडा ने इस कार्य को अच्छी तरह से संभाला और उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से तैयार किया। तो मैं सिस्टर आइडा, सिस्टर शर्ली और मिस निर्मला कश्मीर आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। और चर्च की डेकोरेशंस के लिए मैं और बाकी सब अरेंजमेंट्स के लिए हमारे साक्रिस्टियंस सिस्टर अचिता तो हमेशा तैयार रहते हैं, जो भी चर्च का कार्य है अचिता और सिस्टर सारा। और मैं साइमन जेम्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी शाम को आकर वेदी की सजावट के लिए बहुत कठिन प्रयत्न किया। तो मैं आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच सिस्टर्स एंड साइमन। पैरिश काउंसिल मेंबर्स को भी धन्यवाद देता हूँ उनकी सहयोग के लिए। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ
हमारे आर्च डायसिस के महाधर्मा प्रांत के मीडिया कमीशन को। आज जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, फोटोग्राफी हो रहा है, हमारे धर्म प्रांत के मीडिया कमीशन की ओर से फादर जोमिस के लीडरशिप में। तो मैं आप सभी का आभारी हूँ। फादर जोमिस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। कोयर मेंबर्स को धन्यवाद दे चुका है, फिर भी मेरी ओर से भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो सभी पल्ली वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया। क्योंकि इस कोविड काल में, पैंडेमिक सिचुएशन में, जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बहुत सहयोग देते हैं, और आपकी सहयोगता के लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के इस दिन भी मैंने, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए, फिर भी बोलना पड़ा कि केवल परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चे और उनके मेहमानों ही आए, बाकी सब सुबह का और शाम का मिसा में आने के लिए। तो मैं आप सभी की अंडरस्टैंडिंग तथा सहयोगिता के लिए बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ नागपुर के द्वारा एक फेस्टिवल ऑफ कैरल्स का आयोजन किया जा रहा है 19 दिसंबर को SFS कैथीड्रल कैंपस में शाम 6:30 बजे से। अधिक जानकारी के लिए आप लोग क्यान के कोई भी मेंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम रेशम बाग SEC यूनिट के सभी पल्लीवासियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने चर्च का क्लीनिंग का कार्य संपन्न किया और आने वाले शनिवार को चर्च का सफाई का कार्य करेंगे हनुमान नगर SEC यूनिट के पल्लीवासियों द्वारा। पिछले संडे का कलेक्शन था 3,732 रुपये। ईश्वर आपकी उदारता के लिए आपको भरपूर आशीष प्रदान करें। मिसा के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम है बच्चों को अपना सर्टिफिकेट देने का, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जल्दी ना जाइए। याद रखना, आप चुने हुए लोगों में हैं, इनके कारण ही आपको मिसा बलिदान में, इस मिसा बलिदान में भाग लेने का अवसर मिला है। तो इसलिए ना, प्लीज़ डोंट गो अवे, रिमेन सीटेड। थैंक यू। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिता ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आज में थी, अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु को जिसने दिए सब वरदान, वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद हम कहते प्रभु को जिसने दिए सब वरदान, वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु। हमारे पल्ली के 7 बच्चों ने पहली बार
आध्यात्मिक भोजन को ग्रहण किया। आज के इस पावन पर्व के अवसर पर मैं सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना का महत्व मिस्सा पूजा बलिदान में योग्य रीति से कैसे भाग लेना, इन बच्चों को अपने प्रेरणादायक शब्दों से तथा आशीषों से मार्गदर्शन करने वाले हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित आदरणीय फादर सैजू है। मैं मिस्टर मनोज से अनुरोध करती हूँ कि फादर जी का स्वागत बुके से करें। चर्च की चाबी लिए हमेशा मुस्कुराते हुए इन बच्चों का स्वागत करने वाले हमारे फादर डैनियल, मिस्टर अनिल फ्रांसिस से अनुरोध करती हूँ कि वे फादर का स्वागत बुके से करें। आप सभी ने देखा होगा पहली बार इस संस्कार विधि में भक्तिपूर्ण भाव से हम सभी ने भाग लिया है और इसका श्रेय जाता है फादर जोमिस और उनकी टीम को। तो मैं उनके भी स्वागत करने के लिए अनुरोध करती हूँ फिलिप बेस्टिन से कि बुके से उनका स्वागत करें। फादर जोमिस, और यहाँ उपस्थित बच्चों के माता पिता, धर्म माता पिता, उनके रिश्तेदारों के लिए एक तालियों से स्वागत करें। और अब मैं हमारे पल्ली पुरोहित फादर सैजू से अनुरोध करती हूँ कि प्रथम परम प्रसाद ग्रहण किए हुए बच्चों को सर्टिफिकेट तथा ये छोटी भेंट ग्रहण करें। रायन कश्मीर, अनुग्रह डुंगडुंग, रॉय पीटर, रौनक ताड़े, एलिशा शेंडे, एंजेला फ्रांसिस, मेलिशा बेस्टिन, और अब मैं सिस्टर लिंसी और सिस्टर दिव्या से अनुरोध करती हूँ कि आपने जो इन बच्चों के लिए गिफ्ट लाए हैं वो उन्हें भेंट स्वरूप दें। एक एक बच्चे आ जाओ। दोनों कॉन्वेंट के सुपीरियर सिस्टर दिव्या और सिस्टर लिंसी को धन्यवाद। और एक प्रवचन देने नहीं जा रहा हूं।
देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहा था बच्चों के तालीम के लिए, वह इसके लिए था कि जब बच्चे परम प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं तो इन्हें मालूम होना चाहिए यह क्या करने जा रहे हैं। मेरा इंटेंशंस बस इतना ही था, शायद उसके कारण मुझे किसी से थोड़ा सा गुस्सा से भी बात करना पड़ा। प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि आप लोगों की बच्चे की भलाई सोच कर मैंने किया है। यह बच्चों की तैयारी काफ़ी समय से मेरे मार्गदर्शन में किया जा रहे थे, लेकिन इनके असली तैयारी सिस्टर शर्ली, सिस्टर राइडा और मिस निर्मला कश्मीर के द्वारा किया गया है। तो मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के नाम पर, क्योंकि आपका जो कार्य इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। तो पल्ली की ओर से इनकी सर्विस के लिए एक छोटा सा उपहार उन्हें मैं देना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं सिस्टर आइडा और मिस निर्मला और सिस्टर शैरली नहीं है, इसलिए सिस्टर दिव्या को मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया आगे आइए। मार्गदर्शन और आपकी ब्लेसिंग्स हम पल्ली वासियों पर यदि ऐसा ही बना रहा फादर, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ हमारे पल्लीवासी हर कार्य को आपके बताए हुए मार्ग से ही करेंगे। और अब मैं सभी बच्चों तथा दोनों फादर से केक कट करने कर फर्स्ट होली कम्युनियन सेलिब्रेट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ दोनों फादर्स और सातों बच्चे। Together we celebrate, life that lasts forever. We celebrate for the joy and for the sorrow, yesterday, today, tomorrow. We celebrate. There's a celebration. There's a call for you and me. Arise, celebrate. का है यह शुभ दिन, खुशी मनाए हम सा। प्रभु का है यह शुभ दिन, खुशी मनाए हम सा। जाकर हम मुक्ति संदेश सुनाए, जय प्रभु में तन्मय। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी।
हमको। जीवन मिला है तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमको, तेरी कृपा को पाकर हम प्रभु